इस राजस्थान की राजधानी में जिस प्रकार से राजस्थान में अपराध बढ़ रहे हैं, बच्चियां महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। राजनीति बहुत गंदी है, राजनीति में महिलाओं का तो कोई काम ही नहीं, महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं, अच्छी नहीं है। फिर गुरुजी ने मुझे बोला कि अगर अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो अपराधी लोगों को राजनीति से हटाएगा कौन। एक दिन वहां नरेंद्र मोदी जी भी आए तो ये अपना हाथ से खाना बनाकर उनको खिलाती थी, और अगर इनको मौका मिला तो अवश्य ही ये विधानसभा में जो यहाँ की समस्याएं हैं, महिलाओं की समस्याएं हैं। नमस्कार, मैं हूँ चेतना और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। हमारे समाज में अपराध का ग्राफ जितनी तेजी से बढ़ रहा है वो वाकई में चिंताजनक है, लेकिन इस अपराध की गति को रोकने का जिम्मा सिर्फ प्रशासन और सरकारों का ही नहीं, हमारा खुद का भी है। इसी कड़ी में भारतीय चरित्र निर्माण समिति ने गणेश चतुर्थी के मौके पर एक संकल्प कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें समिति के प्रदेश सचिव सरिता मित्तल, संस्था अध्यक्ष रामकृष्ण गोस्वामी के साथ समिति के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया और सभी ने एक साथ संकल्प भी लिया कि वो इस विषय पर जागरूकता लाने का प्रयास करेंगे। बढ़ते अपराध, गिरता चरित्र और घटती सुरक्षा के कारण राजनीति का जो अपराधीकरण हुआ है उसकी वजह से समाज में अराजकता फैल रही है और डर बढ़ रहा है। इसे मिटाने के लिए राजनीति का आध्यात्मिकरण होना जरूरी है। इसी का संकल्प लेते हुए सभी ने एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का फैसला किया। इस कार्यकारी के संस्थापक श्री रामकृष्ण गोस्वामी जी का कहना है कि गणेश चतुर्थी से बड़ा अवसर और कोई हो ही नहीं सकता था इस शुभ काम के लिए, इसलिए राजस्थान की राजधानी जयपुर में इस पावन पर्व के दिन इस शुभ काम की शुरुआत की गई। आइए जानते हैं और क्या कहा इन्होंने कि आज ही राजनीति के अपराधीकरण के विरुद्ध ये शंखनाद क्यों किया है इस राजस्थान की राजधानी में। जिस प्रकार से राजस्थान में अपराध बढ़ रहे हैं, बच्चियां महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार है, जिस प्रकार से असुरक्षा, आतंक और अलगाव की मानसिकता हावी हो रही है और आम आदमी राजनीति से घबराता है, उसको एक बहुत बड़ा एक तरह से गंदी चीज़ या अपराध मानता है, या अपराध मानता है कि अपराधी ही राजनीति कर सकते हैं, तो राजनीति का जो बढ़ता अपराधीकरण है उसके विरुद्ध हम लोगों ने मानव अधिकारों की रक्षा और सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय सुरक्षा और विश्व शांति के उद्देश्य को दृष्टि में रखकर जो नर और नारी जो लोक सेवा के लिए या राष्ट्र सेवा के लिए कुछ करना चाहते हैं उनको प्रेरित करके, उनको आगे बढ़ाकर और उनको ये स्वधर्म बताकर कि राजनीति तुम्हारा स्वधर्म है और बिना राजनीति के हम अपराधों की रोकथाम और मानव अधिकारों की रक्षा और प्रदेश और देश की सुरक्षा और शांति और विकास का लक्ष्य पूरा नहीं कर सकते। और श्री गणेश चतुर्थी से बढ़कर कोई दूसरा दिन इसके श्री गणेश के लिए क्या हो सकता था। तो ये श्री गणेश जो आज महाभारत का राजनीति का शंखनाद जो हुआ है, सरिता मित्र जी एक निमित्त मात्र हैं, प्रतीक हैं, वो एक नारी शक्ति की, और भगवद गीता को हाथ में लेकर जो ये कार्यक्रम है वो निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण का जो योगक्षेम का जो गारंटी पत्र है, और यत्र योगेश्वर है कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर है तत्र श्री विरजो भूत्र ध्रुवा नेत्र मत्र ममे की जो घोषणा है गीता की कि इस धर्म क्षेत्र के कुरुक्षेत्र में जो कृष्ण को आधार बनाकर, माध्यम बनाकर, सारथी बनाकर गीता को हाथ में लेकर आगे बढ़ेगा, राजस्थान ही नहीं पूरा भारत उसको सल्यूट करेगा, उसका सम्मान करेगा, उसको अधिकार देगा और वोट की ताकत, लोकमत की ताकत से हम एक अपराध की जो राजनीति हो रही है उसको अध्यात्म की राजनीति में तब्दील करने का, परिवर्तित करने का आज ये शंखनाद कर रही है। भारतीय चरित्र निर्माण समिति के प्रदेश सचिव सरिता मित्तल ने भी सभी का स्वागत करते हुए इस कार्यक्रम में और संकल्प के प्रति अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि अब जब महिलाओं का प्रतिनिधित्व ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति में बढ़ रहा है तो वो भी इसी संकल्प के साथ राजनीति के आध्यात्मिकरण को बढ़ाने में अपना पूरा पूरा सहयोग देंगे। जिस तरह से श्री कृष्ण ने महाभारत में अपनी राजनीति से पांडवों को जितवाया था, उसी तरह की राजनीति करने का वक्त आ गया है। और अब जब चारों तरफ अपराध की सीमा टूटने लगी है तो अब तो बहुत ही जरूरी हो गया है इस संकल्प को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए, जिससे कि राम राज्य की स्थापना हो सके। आइए जानते हैं और क्या कहा उन्होंने। गणेश चतुर्थी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सभी को नमस्कार करती हूँ और सभी को धन्यवाद देती हूँ जो आप मेरे इस संकल्प में और इस पूजा में और दृढ़ निश्चय में शामिल हुए और मुझे आशीर्वाद देने और मेरा
सहयोग करने यहाँ सब उपस्थित हुए। मैं राजनीति में कैसे आई, मुझे तो राजनीति से बहुत ज्यादा चिढ़ थी। सबसे बड़ी वजह, मुझे बहुत काम करना पड़ता था तो मैं बोलती थी मुझे तो राजनीति में कभी आना ही नहीं है। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी घटी कि मेरे मन मस्तिष्क मेरे जहन को हिला के रख गई। मुझे लगा कि समाज में इतना बढ़ता अपराध और इस अपराधीकरण की कोई तो रोकथाम हो गई। तो एक दिन मैंने ऐसे ही गुरुजी से बोला कि इस बढ़ते अपराध को रोकने का कोई उपाय तो होगा। मैं तो बोला राजनीति से बड़ा और राजनीति से अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। महंगा लोग बोलते हैं राजनीति बहुत गंदी है और राजनीति में महिलाओं का तो कोई काम ही नहीं, महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं, अच्छी नहीं है। फिर गुरुजी ने मुझे बोला कि अगर अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो अपराधी लोगों को राजनीति से हटाएगा कौन। अगर सभी ये बोलेंगे कि हमें राजनीति में नहीं आना और अच्छे लोग पीछे हटते जाएंगे तो राजनीति में तो अपराधियों का बढ़ावा होता ही जाएगा। तो इसी संकल्प के साथ जो ये राजनीति में अपराध है इसका एक कि भाई इसको घटाना है, सबसे बड़ा माध्यम श्रीमद् भागवत गीता है और श्री भगवान श्री कृष्ण से बड़ा कोई जगत गुरु नहीं है। विजयदशमी, तो मुझे गुरु जी विजयदशमी पर दिव्य शस्त्र पूजन कराने के लिए लेके गए। मेरा सबसे पहला जो पूजन और जो संकल्प था दिवेर में दशहरा के दिन शस्त्र पूजन, वहां मुझे तलवार देके बोला कि तुम आज झांसी की रानी काली माई बन के जो अपराधी और समाज में जो अपराधी लोग हैं उनका तुम्हें खात्मा भी करना है और तुम्हें किसी भी चीज से यहाँ से विचलित नहीं होना, लोग बोलेंगे तो तुम्हें विचलित नहीं होना, तुम अपने अच्छे काम में सत्कर्म में आगे बढ़ती चली जाओ। उसी दिन से ये संकल्प लेके मैं इस राजनीति में आई। मेरा यही एक राजनीति में आने का उद्देश्य है और यही एक कारण रहा है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में बड़ी बड़ी विभूतियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सरिता मित्तल जी के पिताजी ने भी अपनी राय रखी और सरिता मित्तल के उज्जवल भविष्य की कामना की। आइए सुनिए। देखो यहाँ जो कार्यक्रम आज श्री रामकृष्ण गोस्वामी जी ने भारतीय चरित्र निर्माण संस्थान के माध्यम से किया है और वो पूरे देश को चरित्रवान बनाना चाहते हैं, उसी कड़ी में मेरी बिटिया सरिता को इन्होंने कोई गुरु दिया, संकल्प दिलाया पहले कि भाई आपको भी मतलब स्वच्छता के आधार पर और इस राजस्थान में जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है उसको हम कैसे मिटाएंगे और कैसे जो मतलब चरित्रवान लोग हैं वो विधानसभा में पहुंच करके अपने चरित्र के लोगों को कैसे ऊपर उठा सकते हैं। क्योंकि ये सरिता शुरू से बचपन से ही मेरे साथ जुड़ती थी, जब मेरे घर पर कोई संघ के अधिकारीगण आते थे या भाजपा के अधिकारीगण आते थे, मेरा मुख्यमंत्री मेरे साथ 8 साल काम किया, वो संगठन मंत्री रहा, मैं जिलाध्यक्ष रहा, तो लगभग आते रहते थे। एक दिन मैंने नरेंद्र मोदी जी भी आए तो ये अपना हाथ से खाना बना कर उनको खिलाती थी। तो इसको संस्कार तो शुरू से ही इसको पढ़े हुए हैं और अब मेरी 2-3 बेटियाँ उसमें जो अपना RSS का महिला विंग है उसमें जाती हैं। तो ये ने जो गुरु जी ने इनको संकल्प दिलाया है और मैं समझता हूँ कि गुरु जी के संकल्प को पूरा करेंगे और अगर इनको मौका मिला तो अवश्य ही ये विधानसभा में जो यहाँ की समस्याएं हैं, महिलाओं की समस्याएं हैं और इसका क्षेत्र का विकास है और पूरे राजस्थान का विकास है उसको कैसे ही आगे बढ़ा सकती हैं, वो इनको कूट कूट के इसमें भरी हुई हैं। और मैं चाहता हूँ भगवान इसको मौका देगा इस गणेश चतुर्थी का शुभारम्भ पर और आप सबका भी आशीर्वाद मिला है और मैं सबका भी बहुत बहुत आज आपके माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि सब लोगों ने आकर के आज ये चतुर्थी पर उनको आशीर्वाद दिया है और ये आशीर्वाद बना रहे। इसी तरह मेरी शुभकामनाएं और सबको शुभकामनाएं। जय भारत, जय हिंदुस्तान। तो इस तरह से गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर युवा हो या फिर बुजुर्ग हो, महिलाएं हो या फिर पुरुष हो, सभी ने एक साथ संकल्प लेते हुए श्री कृष्ण के पद चिन्हों पर चलने का फैसला किया और इस संकल्प में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े इसका भी संकल्प लिया और विधानसभा में कम से कम 150 से ज़्यादा विधायकों को इसी संकल्प के साथ पहुँचाने का प्रण भी लिया। और अब समाज को ऐसी ही संकल्प की ज़रूरत है जिससे अपराधीकरण को रोकने में मदद मिल सके। कैसा लगा आपको, क्या है आपकी राय, ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएगा कमेंट बॉक्स में। और इसी तरह के और वीडियोस के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार।